नमस्कार 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 करवा आगे बोलो, कितना नमस्कार करवा आगे बोलो, टाइम नहीं छे। अरे भैया खास बात आज जो है का अपने व्यूअर्स को बताएंगे, समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरा नाम राजू है और राजू रसूलपुर बिहार इन इंडिया चैनल का नाम है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और देखा करिए। दोस्तों मैं बताऊंगा कि गल्फ में, विदेश में जितने भी हमारे भाई रहते हैं और जितने भी बहनों की पति शोहर जो कुछ कह लीजिए आप जो है का विदेश में रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा कि देखिए ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से कटती है, बहुत ही मुश्किल से कटती है कि घर से बाहर आदमी दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, पाँच दिन, दस दिन, जो भी कोई परेशान हो जाता है कि यार मैंने बच्चों से बात नहीं की, मैं जो है का बीवी से बात नहीं किया, मेरा जो है का बाप से बात नहीं हुआ, मेरा भाई से बात नहीं हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग घर से दो साल, तीन साल, चार साल के लिए दूर हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे होती होगी? क्या आप सोचे हैं कभी? क्या आप कभी दिमाग में ये बात लाए हैं कि मेरा जो है का बेटा चार साल से बाहर कैसे रहता होगा, मेरा पति दो साल से बाहर कैसे रहता होगा, मेरा जो है का भाई दो साल से बाहर कैसे रहता होगा? हम तो चलो हमारे बच्चे हैं घर पे, हमारे बीवी घर पे है, हमारे माता पिता हैं, हमारी टाइम पास हो जाती है। लेकिन वो लोग बेचारे जो घर से बाहर रहते हैं दो साल, तीन साल, चार साल, वो कैसे रहते होंगे ये तो बात अलग हो गया, वो कैसे रहते होंगे ये तो बात अलग हो गया। लेकिन मेरे भाई वो खाते क्या हैं, सोते कैसे हैं, करते हैं क्या, क्या फैसिलिटी कंपनी देती है उनको, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कितनी मुश्किल है उनकी ज़िंदगी। यार ज़रा सोचो, मैं तो सोचता हूँ तो सोचते रह जाता हूँ, अब क्या सोचे। मैं भी गल्फ में ही, मुझे भी 10-12 साल हो गया विदेशों का चक्कर काटते हुए, और लोगों का दर्द मैं समझता हूँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इस बात को, बात में आप लड़ाई कर लेते हैं और बात करना बंद कर देते हैं, क्या आप कभी उनकी खुशी क्या है, तो इस पे अलग चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं एक कंपनी का दौरा किया हूँ और एक कंपनी में आया हूँ और यहाँ की मैं फैसिलिटी आपको दिखाऊंगा कि क्या फैसिलिटी है उनकी कंपनी, कैसे ड्यूटी वो करते हैं, कैसे जो है का अपनी ज़िंदगी को वो बिताते हैं, एक दिन, दो दिन, चार दिन नहीं, दो साल, तीन साल, चार साल। चलिए चलिए, तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस कंपनी में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, कोई होगा तो बात भी करेंगे। अभी तो ड्यूटी का टाइम है, ऑन ड्यूटी है, लोग सब ड्यूटी चले गए हैं, कैंप खाली है, लेकिन फिर भी एक दो आदमी होता है कैंप में, मैं उनसे बातचीत करूँगा और आपको मैं। अरे रुको 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 यार, रुको 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 रुको, बस 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 बस, असली बात तो बताना भूल गए भैया। आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप जो है का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे फुल सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आइए लेट स्टार्ट। हाँ दोस्तों, तो देखिए ये कंपनी है, कंपनी का कैंप है, हम इसके पास पहुँचे हैं और कोई कैमरामैन नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं खुद कैमरा कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये पूरा वादी है
और पूरा वादी में ये कैंप बनाया गया है, मतलब कि आसपास कोई बस्ती नहीं है, कोई सिटी कोई शहर नहीं है, तो इसमें आदमी लोग रहता है, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी, और अपना दिन बिताते हैं ये लोग। शाम को आते हैं, सुबह ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। तो आइए आगे चल के मैं आपको इनका पूरा रहन सहन दिखाता हूँ, कैसे ये लोग रहते हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर साथ चलें, मिले कदम से कदम हमारा, सुर से सुर हाँ। तो दोस्तों देखिए, हम लोग कैंप में आ गए हैं, और ये मस्जिद है, पानी का टंकी है, और ये केबिन है जिसमें आदमी लोग रहता है। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है, गल्फ का लोगों को अच्छा फैसिलिटी मिलती है, फिर भी परिवार से दूर रह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है आदमी लोगों को। ये देखिए बाथरूम आ गए हम लोग, बाथरूम के अंदर शीशा लगा हुआ है, और ये बाथरूम है, अच्छा बाथरूम है, देख रहे हैं आदमी लोग उसमें बाथरूम जाता है, नहाने के लिए भी है, और एक दूसरा भी बाथरूम है इधर, इंग्लिश जिसको बोलते हैं आदमी लोग, इंग्लिश वाला ये भी है। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग अच्छा तरह से देखिए, ठीक ना, कितना अच्छा है ये। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और फिर हमें बताइए, मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये दोस्तों, ये मेरा अन्ना है, बहुत अच्छा आदमी है, ये कैंप का जो है का पूरा देखभाल करता है, बहुत अच्छा। और अन्ना कैसे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैलरी वैलरी बढ़िया है? हाँ बढ़िया, ये बड़ा पोर में रहिए है, नहीं नहीं भाई, इधर इंजीनियर है, खाना भी अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में लिखिए। ये हमारे आंध्र प्रदेश का अन्ना है, बहुत अच्छा आदमी है बेचारा, बराबर मिलते रहता है, हाल चाल पूछते रहता है, ठीक ना। और अन्ना बढ़िया है? बढ़िया दोस्तों। देखिए हमारे दूसरा अन्ना है, ये भी अच्छा आदमी है बेचारा, ये भी कंपनी में काफी दिन हो गया इसको रहते हुए। और अन्ना कैसे हैं? मैं ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। कंपनी वगैरह अच्छा सैलरी दे रही है कि नहीं? दे रहे, दे रहे। खाना वगैरह? हाँ दे रहे। चलिए देखिए, इनका रूम है, और अच्छा खासा रूम है, बढ़िया रूम है। तो चलिए इनको कमेंट में बताइए कैसे हैं और क्या चल है। चलिए किधर जा रहे हैं अन्ना? अभी खाना बनाएगा, सब्जी बनाएगा। हाँ सब्जी बनाएगा। तो कंपनी खाना देता है ना? देता है घंटी का ना उसको, अभी आप खुद आस्ते बनाएगा ना तब ठीक लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखिए दोस्तों, ये डबल बेड है, अक्सर गल्फ में जो है का डबल बेड होता है, देख रहे हैं नीचे भी आदमी है, ऊपर भी आदमी है, और एसी वेसी लगा हुआ है, देख रहे हैं एसी है फर्स्ट क्लास। चिंता तो रहती है ना, घर का याद आता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग बताइए, और कमेंट में।
हूँ।